सामने हम लोग को रोहित बड़े वाले दिख रहा है जो कि काफी फेमस है यहाँ पे। ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो गाइस ये है हिस्ट्री यहाँ की, जो शनिवार वाड़ा है उसकी हिस्ट्री है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी हम लोग निकल गए हैं थोड़ा बहुत घूमने, अभी पुणे में ही हैं हम लोग, और वहाँ से आके बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं किया, इतना थक गए थे सब लोग। तो आराम किया थोड़ा एक दो दिन। तो फिलहाल सब लोग मतलब शांग लोग तो उन्हीं लोग का रूम है, तो उन लोग को थोड़ा काम था रूम में, तो हम दोनों ही अभी निकले हैं थोड़ा बहुत मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, आसपास देखते हैं क्या क्या है, और कुछ पता नहीं यहाँ का ज़्यादा हम लोगों को, तो देखेंगे कहीं निकलेंगे कुछ भी करेंगे ऐसा। फिलहाल पहुंच गए हम लोग शिवाजी चौक, तो ये फेज़ वन में पड़ता है यहाँ पे हिंजेवाड़ी, मतलब तो हिंजेवाड़ी फेज़ वन टू थ्री, तो अभी फेज़ वन में हम लोग, और फ्लैट जो है अब हम लोग का फेज़ थ्री में है, तो काफ़ी दूर पड़ता है मतलब, तो थोड़ा बहुत यहीं पे एक्सप्लोर करते हैं, कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो शांग ने बताया था हमको कि यहाँ पे आ जाओ, देखते हैं थोड़ी बहुत मार्केट दिख रही है मेरे को, तो नॉर्मल सी मार्केट ही है, तो थोड़ा घूमते हैं कुछ खाएँ पियेंगे और फिर चले जाएँगे वापस, यार कुछ नहीं होगा। तो मौसम तो भाई यहाँ का ऐसा है, बारिश कभी भी हो जाती है, तो हम लोग छाता लेके ही चल रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं, तो छाता या रेनकोट यहाँ पे मस्ट है अभी इस वक्त, तो कहीं भी जा रहे हैं तो छाता तो लेके ही जा रहे हैं, हो ही रही है बारिश, थोड़ा ही देर हुआ था और छाते की ज़रूरत पड़ गई हम लोगों को, बहुत बारिश हो रही है यार। तो गाइस बहुत देर से घूम रहे हैं, ऐसा कुछ खास तो हम लोग को लेना नहीं है, मार्केट अच्छी है बट अभी के हिसाब से इतना अच्छी नहीं है, मतलब अभी लेना नहीं है हम लोग को, इसलिए तो बस टहल रहे हैं और देखते हैं कुछ खाते हैं। यहाँ पे सामने हम लोग को रोहित बड़े वाले दिख रहा है जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पर, ऐसा मुझे दोस्तों ने बताया, मेरे रोहित बड़े वाले और जोशी बड़े वाले दो, और वो जोशी बड़े वाले मेरा नहीं है। तो हमने लिया है साबूदाना वड़ा और वड़ा पाव, उसके संग चाय, बढ़िया है भाई। खाना वाना हो गया है, अब थोड़ा और मार्केट घूमते हैं फिर देखते हैं रूम चले जाएंगे। तो गाइस अभी हमने लिया है मंचूरियन भेल, पहली बार ट्राई करने जा रहे हैं हम लोग, प्रगति बताइए कैसी है। नहीं खा सकते हो? एक घंटा तो खाने में लगा रही हो तो। अबे मंचूरियन ही आई ना हाथ में। कैसी है मंचूरियन के ऊपर सेव डाल दिया? नॉर्मल सा ही हो रहा है, मतलब मंचूरियन का ही टेस्ट आ रहा है मोस्टली इसमें, नॉर्मल मंचूरियन जो होता है कुछ अलग नहीं है, और ठीक है टेस्ट। मंचूरियन भेल तो भाई कुछ नया ही था हम लोग के लिए, और 20 रुपये का ठीक था, अगर आपको मंचूरियन अच्छा लगता है तो अच्छा लगेगा आपको, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि टेस्ट करना ही करना है, मन होगा तो कर लेना वरना कोई बात नहीं। तो गाइस अभी आए हम लोग यहाँ के फ्ली मार्केट में, तो ये है डेली फ्ली मार्केट, और अंदर गया था मैं तो मोस्टली सब लड़कियों का ही सामान दिख रहा है मेरे को, तो अभी प्रगति देख रही है, मैं तो बाहर ही आ गया हूँ भाई, करूँगा क्या अंदर में, वो अपना हिसाब से देख रही है सब, और कुछ लेना वेना होगा तो ले लेंगे, मोस्टली शूज़ वगैरह ही देख रहे हैं हम लोग, कि पूरे शूज़ जो हैं वो एकदम गीले हो चुके हैं हम लोगों के ना ट्रिप में, तो देखते हैं कुछ मिलता है उसको तो ले लेंगे, वरना ऐसे घूम के चले जाएँगे वापस। फ्ली मार्केट से तो निकल गए और इसने लिया एक सैंडल वगैरह जो भी है, और लड़कों का तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे, तो मैंने कुछ नहीं लिया, मतलब ऐसे भी क्या ही लेते यार, तो देखते हैं थोड़ा और घूम ही रहे हैं बस यहाँ पे इधर उधर। और प्लान तो किया था कि हम लोग लोनावला जाएंगे, बट इतनी बारिश हो रही है तो मन भी नहीं हुआ, क्योंकि महाबलेश्वर में हम लोग की काफ़ी ज़्यादा लग गई थी बारिश में, तो इसलिए लोनावला का प्लान कैंसिल कर दिया, तो यही घूम रहे हैं हम लोग, इस पूरा घूम लिया मार्केट, अब हम लोग जा रहे हैं बस पकड़ने, बस पकड़ के फिर वापस जाएंगे रूम।
कॉलेज फिलहाल पहुंच गए हम लोग अपार्टमेंट में, और रास्ते में काफी ज्यादा मतलब आईटी ऑफिसर्स दिख रहे थे, पूरा आईटी हब है इंजेवाड़ी, और ये फेज वन फेज टू फेज थ्री। तो अभी पहुंच गए हम लोग फ्लैट में, चलते हैं देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं। सो ही रहे होंगे सबके सब। सो रहे हो क्या भाई? उठ जाओ यार, कितना सोओगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, और कल आके ज़्यादा व्लॉग नहीं किया था तो आज व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आज भी देखो कुछ चीज़ों मार्केट जा रहा है घूमने, और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे, तो आज भी वो कंटिन्यू करूँगा मैं कल का व्लॉग इसी में। तो अभी सब लोग रेडी हो रहे हैं, मैं रेडी हो चुका हूँ। अगेन द व्यू, बहुत बढ़िया व्यू है भाई, यहाँ से एकदम पहाड़ दिखते हैं। तो सब लोग रेडी हो जाएँ, फिर निकलते हैं हम लोग। ये संडे को भी काम करते रहते हैं दिन भर, कितना काम करते हो भाई। बोलते हैं कि बस थोड़ी देर का काम है, थोड़ी देर का। तो अपने शपथ ले रहे थे ना स्कूल में, क्या होता था, ओथ, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो इसने बहुत अच्छे से लिया है, हम लोग तो हाथ नीचे कर देते थे। हसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों से डील करना होता है। बिल्कुल सही। बस निकल गए हैं हम लोग फ्लैट से, और पीछे चल रहे हैं दो लोग चल रहे हैं आगे। ये देखो भाई, आते ही यहाँ पे पहले गोलगप्पे खाने लग गए लोग। क्या हुआ भाई, तीखा लग गया? एक और खा लूँगा मैं। ओहो हो, तीखा थोड़ी लग रहा है। बढ़िया है भाई वो। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं शनिवार वाड़ा, और रास्ते में व्यू देखो कितना बढ़िया है। तो हम लोग यहाँ पे मनपा बस स्टैंड में आए थे, वहाँ से ऊपर को ब्रिज जाता है, तो वहाँ से शनिवार वाड़ा के लिए रास्ता है। छाता लेके, हर जगह छाता लेके चलना पड़ता है, क्यों? ठंडा लग रहा है यार भाई, इतना बढ़िया मौसम है, और थोड़ी थोड़ा ड्रिजल हो रहा है, मौसम बहुत बढ़िया है, मतलब थोड़ा थोड़ा चिली सा मौसम है, ठंडा ठंडा सा मस्त। तो गाइस ये है हिस्ट्री यहाँ की, जो शनिवार वाड़ा है उसकी हिस्ट्री है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो पढ़ सकते हो उसको। और शनिवार वाड़ा जो है वो शनिवार मतलब सैटरडे, और वाड़ा मतलब रेजिडेंस, जहाँ भी मतलब रहते होंगे। तो ये था मेन पेशवा, जो पेशवा रहते थे वो यहाँ ही पे रहते थे, और अभी तो फिलहाल बंद हो गया यार, ये 5 बजे तक खुला रहता है, हम लोग को थोड़ा सा लेट हो गया, तो अंदर से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, बाहर से बहुत बढ़िया लग रहा है। बाकी यहाँ पे बाजीराव मस्तानी जो मूवी थी उसकी शूटिंग भी यहीं पे हुई है, मतलब यही वाला शनिवार वाड़ा यहाँ पे उसमें मतलब यूज़ हुआ है, और बाहर से कुछ ऐसा लगता है। तो भाई शनिवार वाड़ा जो है वो पेशवाज़ का हेडक्वार्टर्स हुआ करता था, और जो भी मतलब हाई प्रायोरिटी सिक्योरिटी जिसको भी चाहिए होगी उनको यहीं पे रखा जाता। तो फिलहाल तो अंदर जाने को नहीं मिला यार, जाने को मिलता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, बढ़िया बढ़िया क्लिप्स आप लोगों को दिखाता। मुझे भी बुरा लग रहा है अंदर नहीं जा पाए हम लोग, तो कोई ना अगली बार आएंगे तो ज़रूर जाएंगे अंदर। देखो सब छोटे छोटे लग रहे हैं, नीचे खड़े हुए हैं, करके ले तो शनिवार वाड़ा से निकल गए थे, और वहाँ पे मतलब अंधेरा ही हो गया था तो निकल गया, बंद भी था वो, और बस ने इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया हम लोग को, 1 घंटे से ज़्यादा लग गया। तो फिर हम लोग आ गए FC रोड में, काफ़ी ज़्यादा फेमस मार्केट है ये, तो यहाँ पे विज़िट करना अगर आपको कुछ बढ़िया चीज़ें लेनी होगी तो। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे खाने के लिए रुके हैं, तो शॉर्मा रोल ले रहे हैं हम लोग, और अगर भैया को पेमेंट करना हो तो ये स्कैनर लगा हुआ है, इस पर स्कैन करके पेमेंट करें। क्या बोल रहे हैं? छः रुपये हैं भैया इनके अकाउंट में खाली, शॉर्मा रोल खा रहे हैं। ये फनी आ गया भाई। अभी ये बताओ
हमारे अकाउंट में 0.15 थे, तुम अभी 20 रुपए का ट्रांजेक्शन ही थे। झूठ बोल भाई। लेने के लिए इस मार्केट के सामने फर्क्यूजन कॉलेज है, मतलब फर्क्यूजन कॉलेज FC रोड इसलिए इसको बोलते हैं। बाकी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, यहाँ की काफ़ी ज़्यादा लंबे स्ट्रेच में क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़िया है। गाइस हम लोग अपने दोस्तों से पिछड़ गए, सिर्फ हम लोग तीन लोग बचे हैं क्योंकि हम लोग को शवारमा रोल खाना था। ये देखो बना रहा हूँ, शवारमा खाने के चक्कर में लोग गुम हो गए। मैं बता चुका हूँ, ये डालूंगा तो अपना ना मैं। अरे यार फाइनली मिल गए। तो गाइस अभी रुके थे पीछे तिरंगा रेस्टोरेंट में और यहाँ की बिरयानी हम लोगों ने ट्राई करी, मतलब इतनी अच्छी नहीं लगी हम लोगों को। बाकी लखनऊ ऐसी बिरयानी तो कहीं भी नहीं मिलेगी भाई यहाँ पे, मतलब मिल ही नहीं रही है। एक दो जगह ट्राई किया हम लोगों ने और ये लोग तो कब से ट्राई कर रहे हैं, तो अभी तक तो इतनी अच्छी बिरयानी कहीं नहीं मिली है। तो खाना वाना हो गया है, अब देखते हैं, बस ढूंढ रहे हैं, तो बस लेते हैं और फिर चलते हैं वापस रूम पे। बस पहुंच गया रूम में और आते वक्त भाई दो बस और ऑटो से आना पड़ा हमको, मतलब कन्वेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है यहाँ पे, मतलब कुछ ऐसा ही है, मिलती नहीं है बस वगैरह, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है यहाँ पे। तो वहाँ दो बस हम लोग को चेंज करनी पड़ी और फिर वहाँ से ऑटो से आए हम लोग, तो खर्चा हो गया उसमें थोड़ा सा। तो फिलहाल आए हैं, मतलब थोड़ा बहुत खाना वाना खा लेंगे, वहाँ पर थोड़ा खा ही लिया था तो उतनी भूख तो नहीं है, तो खा लेंगे। और तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, आज हम लोगों ने थोड़ा मार्केट घूमा और एक दो जगह और घूमी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय, जय हिंद।